जब महिला की रिजर्वेशन देने के लिए रात भर चर्चा होते हैं, सदन की बाहर कितने सारे इवेंट बनाए जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी अच्छी अच्छी बात तो करते हैं, लेकिन कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों पड़ता है मुझे बताना है। नया संसद की सबसे बड़ा कलंक दिन आज से ही शुरू होने वाला है। देखिए, सदन में इस तरीके की नजीर ना तैयार हो ये हम चाहते हैं। ये बड़ा गलत संदेश जा रहे हैं देश में कि इतने हर चीज में ये आज की सरकार इतनी प्रतिहिंसा, जिसको हम कहते हैं कि इतने बदला लेने की राजनीति क्यों करते हैं पता नहीं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी अच्छी अच्छी बात तो करते हैं, लेकिन कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों पड़ता है मुझे बताना है। एक महिला सांसद, जब महिला की रिजर्वेशन देने के लिए रात भर चर्चा होते हैं, सदन की बाहर कितने सारे इवेंट बनाए जाते हैं, प्रचार में महिला महिला महिला, मोदी जी की ये महिला भजन हम तो सुनते हैं, और वो एक महिला सांसद के खिलाफ इस तरीके की बदला लेने की क्यों चाहते हैं, ये मुझे बड़ा ताजुब लग रहे हैं। ऐसा क्या गलती की है जिसके लिए सदन से ही निकलना जरूरी था? क्या सदन के अंदर उनसे सबको सामने नहीं पूछा जा सकते? और सबसे बड़ी बात है कि देखो, अगर न्यायालय ने भी किसी को फांसी की सजा सुनाते हैं, उस समय भी उनको बोलने का मौका दिया जाते हैं कि भाई तुम्हारा फांसी की सजा हो गई, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते, ये अवसर दिया जाते हैं। लेकिन यह वो भी नहीं है। इस तरीके की मतलब एक किस्म के बड़ा तानाशाही स्वरूप अपनाते हुए आज ये एक क्रूर नजीर पेश होने जा रहे हैं। नया संसद की सबसे बड़ा कलंक दिन आज से ही शुरू होने वाला है।